लेकिन कौन सा सवाल आ जाएगा? ये तो ऐसे ही है जैसे अपने दाहर बना लिया कि मार्ग नंबर आने वाला तो वो दाहर नंबर ठीक रहेगा कि कोई ठीक रहेगा है जी। तो यार गाय जो है ना पहले मार लेते मारे जो बुजुर्ग थे कोई विज्ञानिक थे बड़े भाई। मैं दावे के साथ कह रहा कि यो सिस्टम दिलाएगा आज क्या है हमारे बच्चे कहेंगे भाई एक किले मां देते एक किले की आत्मा दो दिन में रहेगी तो एक किले के लड़के को सारे साल का दूध ले लो क्या नहीं होता है काम करने की रोज की रोज पैर रोज उदय वो करवाओ वो करवाओ। लेकिन अगर ये देसी खाद हमने नहीं गिरा ना तो जमीन बंजर हो जाएगी भाई। बड़ी चीज है जमीन ये गड़बड़ होती होती भी सैकड़ों साल लेगी और फिर ठीक होती भी दसों साल लेगी। बड़ा बर्तन होना गर्म दो टाइम तो लगेगा और फिर ठंडा दो टाइम लगेगा तो ये तो गड़बड़ करने लग रहे ना। ठीक है बात दिखाई मैं कम दे रही पर भाईयो ऐसा ऐसा ही कुछ भी समझ रहे नहीं यार। तो आज इस चीज की लोग तो महाराज जी इस काम में लगे है और इस काम को करने में लगे। तो भाईयो हमने जो हमारा पुराना सिस्टम था उसकी तरफ विचार करना चाहिए और हमारी जो अच्छी चीजें थी उनको हमने मानना चाहिए उनकी तरफ हमने चलना चाहिए। तो हम अगर उसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और जो धर्म ग्रंथ भी है उसका भी पालन होगा। धर्म यही है कि सृष्टि के कल्याण के लिए हम काम करें। तो भाइयों ने क्या कहा स्कूल की मीटिंग बहुत खराब है समस्या है। हमने अभी एक निर्णय लिया और जल्दी स्कूलों की मीटिंग ज्यादा खराब है उनके तरह टिक्का करेंगे। लेकिन हमने एक निर्णय लिया कि जितने भी स्कूल है हरियाणा उन सारे स्कूलों का अगर रास्ता खराब है तो रास्ता अगर चार दीवारी नहीं तो चार दीवारी अगर शौचालय खराब है या है भी तो शौचालय बढ़िया बनाना पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था वहां करना स्कूल का बाहर का जो सौंदर्यकरण है वो करना सभी स्कूलों में ड्यूल डेक्स देना अगर कमरे खराब है कमरों में ठीक करवाना अगर कमरे कम है तो कमरे बनाना वो सारे हरियाणा का एक साथ करने गए। आपकी बार किसी ठेकेदार का कोई टेंडर हम नहीं दे आपकी बार जो हमारी एसएमसी है जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है अगर 35 लाख तक का काम है तो हम सीधे पैसे मैनेजमेंट कमेटी देने लगे। वह मैनेजमेंट कमेटी अपने आप को बैठा अपने आप काम करवाओगी हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है टूटने अपने आप करवाएगी सारा कुछ अपने आप करेगी। हमने अभी पहले प्रोजेक्ट बनाया दो ब्लॉक पे आप अभी चेक कर रहे 15 तारीख तक उसके परिणाम आ जाएंगे। अगर उसमें कुछ कमियां रहेंगी तो सुधार कर देंगे और अगर वो ठीक ठाक सारा काम हो गया तो अगले महीने में वो पैसे डाल देंगे कि भाई क्या क्या काम हमने सारे काम उगा लिए आपके हजन लिख के दे लिए होंगे तो हमने सारे काम उगा लिए तो सारे के सारे काम हम ठीक कर देंगे ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और भाइयों की तलाकों की आपने बात कही तलाकों के लिए बड़े चिंतित है तलाकों की हालत बहुत खराब है हमारी साइड में तो इस का खराब है कि कोई टूटी नहीं बंद करना पानी और वो सारा दिन टूटी चलती रहे और वो तलाक भर के ने पूरी हद कर दी और कई बार तो जो पड़ोसी है जो गाँव के दूर में जिसके खेत है उसके नौबत ऐसी आफत खड़ी कर दी कि उसने बेचारे मुश्किल लगी हमारे यहाँ गाँव है पक्कर वाला तो आज सरदार जी है उसको 1.5 किला जमीन का और 1.5 किले में सारे में पानी भर गया और जब मेरी कार लग रहा तो सरदार जी ने देखते भागना कि रोको रोको मंत्री जी रोको मेरा ये काम करो। मैंने भी सरपंच से कहा कि कितने ही पैसे लग जाए कुछ तो करो अब तो आप बना लगे वैसे अब लेकिन उस पर कोई जमीन दिन डाले और उसी में पानी भर गया बैठा गया और आपके यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या ऐसी है तो उसके लिए हमने एक बोर्ड का गठन कर दिया और अब की बार हमने 173 तालाब तो अब की बार कर रहे लेकिन ऐसा ऐसा 14,000 के करीब तालाब है और हम सारे के सारे तालाबों को ठीक करने का हमने अभियान चला दिया कि आने वाले टाइम पर भी सारे तालाब ठीक करेंगे इनका साफ पानी बाद में साफ पानी करके खेत में देने के लायक तो कर देंगे अगर दूर तो होगी तो खेत में दिया जाएगा या इस प्रकार का प्रयोग किया जाए सारे काम हम करने की तरफ हम काम कर रहे हैं। समस्या आपने बताई और भी लोग मिल रहे भाइयों आप बहुत पुण्य का काम जब उसने महात्मा जी ने मुझे बताया कि वो त्रिवेणी लेकर रहे और आज वो 2,000 3,000 कितने लगे थे जितनी तो आज ही लगाएंगे
बाद में भी वो लगाते रहते हैं। और कोरोना काल में भी जो उन्होंने काम किए सारे का भी मुझे पता चला कि बहुत लोगों की सेवा की। लेकिन ये मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लोग ये पेड़ लगाने का काम करें उनका सहयोग करना और उनका उत्साह बढ़ना। तो मैं आज उसी कारण के लिए आज हमारे सारे अधिकारी भी उसी काम के लिए आए और भी कहीं जरूरत पड़े आपको कहीं पेड़ लगाने की ऐसी तो पूरा आपका सहयोग करेंगे। और आप लोगों ने यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए भी दलाल साहब आने वाले मेरा एक प्रोग्राम यहाँ से यूनिवर्सिटी में है तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी थी जाने की। मेरा प्रोग्राम अब शुरू हो रहा था 11:30 तो क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी का भी रख लिया प्रोग्राम अरे यहाँ का भी रख लिया प्रोग्राम तो पहले मैं था कि शहर मेरा 10 बजे शुरू होगा तो महात्मा जी ने मालूम था कि 11:30 शुरू होगा। मैंने कहा 10 बजे कर दो शुरू। मैंने यूनिवर्सिटी में भी कह दिया हूँ तो मुझे इसलिए यहाँ से जाना पड़ेगा। तो मैं आपका आभारी हूँ और मैं इस काम के लिए जो भी यहाँ महात्मा जी ने किया अपनी ओर से 5,00,000 रुपए की घोषणा करता हूँ। 5,00,000 रुपए और आप सब मिलकर पर्यावरण की रक्षा करेंगे ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।